बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ़ के मुक़द्दस सिलसिले के साथ हाज़िर ख़िदमत है नाज़रीन किराम। बहुत दफ़ा हम सिराते मुस्तकीम से हट जाते हैं और हम अच्छाई और बुराई के दरमियान तमीज़ नहीं कर पाते हैं और मुसलसल उस रास्ते पे चलते रहते हैं जो ग़ैरुल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन का रास्ता है, और सिराते मुस्तकीम खो सी जाती है। ऐसे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आते हैं जिससे पता चलता है कि इंसान दुनिया की रंगीनियों में ऐसा खो गया कि अपने मालिक की दी हुई हिदायत और रास्ते से भटक गया है। ऐसा शख्स जो अल्लाह ताला के सिराते मुस्तकीम से भटक जाए, रास्ते से हट जाए, और वो चाहता है कि मुझे अच्छाई और बुराई के दरमियान तमीज़ फिर से मुयस्सर आ जाए, तो 313 बार जो आया मुकद्दसा आपको बताने लगे इसको पढ़कर पानी पर दम कर लें और पीते रहें। बहुत जल्द परवरदिगार आलम आपको अच्छाई और बुराई, हिदायत और गुमराही के दरमियान फ़र्क नसीब फरमाएगा। सूरह साफ़ात आयत नंबर 118 है, वहदैना हुमस सिरातल मुस्तकीम, वहदैना हुमस सिरातल मुस्तकीम। इस आया मुकद्दसा को 313 बार पढ़ना है, लेकिन ये ना भूलिए कि कोई सा भी वजीफ़ा, कोई सा भी अमल हो, वो तब अल्लाह की बारगाह में मकबूल होता है जब उसके आगाज़ में भी और इख्तिताम में भी 3 तादाद में दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया जाए। परवरदिगार आलम हमारी तमाम ज़िंदगी सिराते मुस्तकीम पर रहने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। मज़ीद रहनुमाई के लिए आप स्क्रीन पर मौजूद फ़ोन नंबर के ज़रिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। बेशुक्रिया।